भाई आज की वीडियो होने वाली है कि दो होम थिएटर को एक साथ कैसे चलाऊं। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि दोनों होम थिएटर को एक साथ कैसा कनेक्ट करें कि जो दोनों में जो गाना बज रहा है दोनों में एक साथ बजे। भाई इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो थी बेस ट्यूब। उसमें मैंने एक होम थिएटर को और बेस ट्यूब के साथ कनेक्ट किया था, दोनों एक साथ चलाए थे। तो लोगों ने काफ़ी सारी कमेंट करी कि क्या दो होम थिएटर भी एक साथ चल सकते हैं। तो भाई ये वीडियो उसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं इन दोनों की आपको आवाज़ सुनानी चाहता हूँ कि दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के बाद दोनों की आवाज़ कैसी आती है, साउंड क्वालिटी कैसी रहती है। और बाकी मैं पूरी जानकारी म्यूजिक सुनने के बाद दूंगा कि किस तरीके से कनेक्ट करा गया है, कितना प्राइस है भाई, इन दोनों होम थिएटर का प्राइस कितना है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनानी चाहता हूँ। तो चलिए भाई मैं आपको बताता हूँ कि दोनों होम थिएटर मैंने एक साथ कैसे कनेक्ट किए हैं, ये दोनों एक साथ कैसे बजे रहते हैं अभी। तो भाई उसके लिए आपको ये जुगाड़ लगवाना पड़ेगा, इम्पीडेंस कन्वर्टर। ये कोई होम थिएटर के साथ लगा हुआ नहीं आया था, ये मैंने अलग से लगवाया है। अब ये कैसे लगाया मैं वो भी बता देता हूँ। देखो ये इम्पीडेंस कन्वर्टर के जो तार हैं, ये तार इस स्पीकर के तारों से कनेक्ट हैं, जो छोटा स्पीकर है इससे कनेक्ट हैं। इसके अंदर एक वूफर लगा हुआ है, वूफर से नहीं, इस छोटे स्पीकर से कनेक्ट हैं उस इम्पीडेंस कन्वर्टर के ये वाले तार, ठीक है भाई। फिर ये क्या करता है, ये आउटपुट तो हो जाता है, बस ये दो पिन लगाने का जुगाड़ है। इसमें ये पिन लगाई और फिर ये पिन हमने दूसरे होम थिएटर में लगा दी। ये दूसरा होम थिएटर है, इसमें ये इनपुट में लगा दी। भाई ये तो हो गया आउटपुट इम्पीडेंस कन्वर्टर से, और ये इसके इनपुट में, होम थिएटर के इनपुट में ये लगा दी हमने। अब ये दोनों होम थिएटर बिल्कुल एक साथ चलेंगे। और हाँ, इसमें आपको ये दो छेद दिख रहे होंगे भाई, इसमें पेंच का जुगाड़ है। इसमें क्या करना पड़ता है कि पेंच दे के इन्हें टाइट करते हैं अगर, तो इस वाले होम थिएटर की आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी अगर टाइट करते हैं। अगर हम इन दोनों को ढीला करते हैं, और दोनों को एक साथ ढीला करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक कर दिया बस, दोनों को थोड़ा थोड़ा ढीला करते हैं तो इस होम थिएटर की आवाज़ कम हो जाएगी। ये मतलब दोनों होम थिएटर का आवाज़ बैलेंस करने के लिए ये सिस्टम होता है इसमें, ताकि ऐसा ना हो कि ये होम थिएटर तो फुल आवाज़ में बज रहा है और ये होम थिएटर आधी आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए ये बैलेंस करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। और भाई ये इम्पीडेंस कन्वर्टर ये 250 रुपये का था, मिला था मुझे, और 50 रुपये दुकान वाले ने लगवाने के लिए थे, तो भाई ये 300 रुपये में पड़ गया था। और मैं इसकी भाई ये बात बता दूं तो देखो भाई, ये यूनिवर्सल का जो होम थिएटर है ये वाला, ये मुझे पड़ा था भाई 4000 रुपये में। इसमें भाई 8 इंची का एक वूफर लगा हुआ है, एक इधर एक इधर, 8 8 इंची के दो वूफर लगे हुए हैं भाई इसमें। और ये दूसरा है भाई, ये है इंटेक्स का, ये तो बहुत पुराना है, मैंने काफ़ी पहले लिया था। इसमें दिखा दूं भाई, ये था भाई उस टाइम पे 2200 रुपये का, 2200 रुपये का था। और इसमें लगा हुआ है भाई वूफर, वूफर नहीं सॉरी, इसमें लगा हुआ है सब वूफर। इसमें लगा हुआ है वूफर, दो वूफर लगे हुए हैं, इसमें लगा हुआ है सब वूफर। भाई अगर आप नहीं जानते कि वूफर और सब वूफर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की आवाज़ में क्या अंतर होता है, तो मैंने वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, पढ़िए आप, उसमें जाकर देखना कि सब वूफर अच्छा होता है या वूफर अच्छा होता है, या इनकी आवाज़ में क्या डिफरेंस है, सब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और भाई आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो या कुछ भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करना भाई, धन्यवाद। और भाई सॉरी सॉरी, धन्यवाद नहीं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि मैंने पिछली वीडियो में ये दिखाया था कि मैंने इस होम थिएटर के साथ एक बेस ट्यूब कनेक्ट की थी, तब लोगों ने सवाल किया था कि यार बेस ट्यूब तो कनेक्ट कर रही है पर क्या होम थिएटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई सिंपल सा फंडा है भाई, ये वो बेस ट्यूब थी जो मैंने पिछली वीडियो में कनेक्ट की थी होम थिएटर के साथ। तो इसे भी दिखा देता हूँ कनेक्ट करके भाई, ये कैसे कनेक्ट होगी। ये तार थे भाई आउटपुट के, ये तार हैं भाई इनपुट के। तो बस ये इनपुट के इस होम थिएटर में से निकाल के बस यही तार हैं मैं इसमें लगा देने हैं बेस ट्यूब में, और ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बस भाई इतना सा फंडा है।